हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा, माया, अनीशा, कृति और पूजा पांच बहनों को खुद का मेकअप करना बहुत पसंद था। साथ ही वो पांचों अलग अलग तरह के हुनर रखती थी। जैसे माया मेकअप में बहुत अच्छी थी, सीमा फेशियल बहुत अच्छा करती थी, कृति कटिंग करने में अच्छी थी, तो अनीशा बाकी के पार्लर के काम अच्छे से करती और पूजा अकाउंट संभालती थी, जिसके चलते पांचों की पांचों एक सुबह अपनी माँ निर्मला के पास जाकर कहती है, माँ हमें आपसे कुछ बात करनी है। कान फाड़ोगी क्या मेरी? एक साथ क्यों चिल्ला रही हो? बात करने आई हो या धरना देने? माँ बात करनी है, वो भी पार्लर को लेकर। हाँ माँ, वो क्या है, आपको तो पता ही है कि हम पांचों बहनों को मेकअप करने का कितना शौक है। इसके चक्कर में हम पांचों ने सीखा भी हुआ है, तो अब हम पांचों बहनें सोच रही हैं कि एक पार्लर खोल ले मिलकर। हाँ माँ, क्योंकि आप ही देखो ना, हम खाली घर पर बैठेंगी, इससे अच्छा तो हम अपना पार्लर खोलेंगी, कुछ पैसे आ जाएंगे। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, प्लीज आप हमारी थोड़ी मदद कर दो ताकि हम अपना पार्लर खोल सके। ठीक है, तुम पाचो इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं पाचो की मदद कर दूंगी पार्लर खुलवाने में, लेकिन उसको चलाना तुम्हारे हाथों में ही होगा, क्योंकि मैं बस खुलवा कर दूंगी, संभालना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हाँ माँ, संभाल लेंगे। निर्मला अपनी पांचों बेटियों के लिए पास में ही एक जगह देखकर उसमें पार्लर खुलवा देती है, जिसका नाम होता है पांच बहनों का एक पार्लर। पार्लर के पहले दिन पांचों उसमें पूजा करवाकर अपने काम का शुभ आरंभ करती है, जिसके बाद सभी पार्लर से चले जाते हैं सिवाय उन पांचों के। अब सभी के जाने के बाद सीमा अपनी बहनों से कहती है, देखो अब ये पार्लर हम पांचों का है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही इंसान सब करेगा, तो हम काम बांट लेते हैं। पूजा, तुम पार्लर के अकाउंटेंट का काम संभालोगी, माया तुम जितने मेकअप के कस्टमर आएंगे उनको हैंडल करना, ठीक है? एक मिनट दीदी, ये आप क्यों तय कर रही हैं कि कौन क्या करेगा? ये पार्लर हम सबका है, तो कोई एक तय नहीं करेगा कि हम क्या करेंगे। हाँ माया दीदी सही कह रही है, मैं तो तुम्हारी खासियत के तहत तुमको काम दे रही हूँ, लेकिन अगर तुमको ये काम पसंद नहीं आया तो चलो एक काम करते हैं, हर एक काम की एक पर्ची लिखकर बाउल में डालते हैं, जिसके नाम पर जो पर्ची आई वो उसके हिस्से वही काम आ जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। पांचों बहनें काम की पर्ची बनाकर एक बाउल में डालती है, जिसके बाद एक एक करके सब चुन लेती है और उसमें पूजा के पास हेयर कटिंग आती है, माया के हिस्से में फेशियल, सीमा के हिस्से में मेकअप, अनीशा के हिस्से में अकाउंट और कृति के हिस्से में मैनिक्योर, पेडिक्योर और बाकी के अन्य काम। अब माया जो कि मेकअप में बेस्ट थी, उसे फेशियल करना था जिसमें उसका हाथ तंग था। अब पार्लर के उद्घाटन के समय वहाँ एक कस्टमर मनीषा नाम की लड़की आती है, जिसको फेशियल करवाना था, जिसके लिए सीमा माया से कहती है, माया तुम्हारे लिए क्लाइंट आई है, इनको फेशियल करवाना है, इसीलिए इनको बैठाओ, इनके फेस के अकॉर्डिंग फेशियल बताओ। ठीक है दीदी, आइए मैडम। माया उस लेडी को कुर्सी पर बैठाकर बहुत सारे फेशियल के बारे में बता देती है, जिसमें से वो चुन लेती है। फिर माया जब उसका फेशियल करने लगती है, तो कभी उस लेडी की आंखों में क्रीम चली जाती, तो कभी माया के नाखून उसके चेहरे पर चुभने लगते। ये देखकर वो लेडी गुस्से में कुर्सी से उठकर कहती है, ये क्या है, अरे आपको फेशियल करना आता भी है? पहली बात तो आपको किसी का फेशियल करने से पहले अपनी ये नेल्स काट लेने चाहिए थे, इनके अंदर के जर्म्स भी मेरे फेस पे आ जाएंगे, ऊपर से आपको सही से फेशियल करना भी नहीं आता, मेरा फेस धो दीजिए, मुझे नहीं करवाना। माफ करना मैडम, एक मौका दे दीजिए, मैं दोबारा से कर देती हूँ, प्लीज आप हमारी पहली कस्टमर हैं, आप ऐसे गुस्सा होकर मत जाइए। इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं फेशियल करवाऊंगी तो उसके पैसे नहीं दूंगी, बोलिए मंजूर है तो। पहले कस्टमर फ्री में करवाने को कह रही है, लेकिन कर दे माया, अब कुल्हाड़ी तो तूने खुद ही अपने पैर पर मारी है। ठीक है मैडम, मुझे मंजूर है। माया दोबारा से उस लेडी को कुर्सी पर बैठाकर उसका फेशियल करने लगती है, और उसकी बाकी की बहनें ये देखकर हैरान होती है कि पहले ही दिन कस्टमर को फ्री ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। कुछ ही देर में किसी तरह माया फेशियल करके उस लेडी को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद सीमा कहती है, माया तुम अब भी यही चाहती हो कि जो काम पर्चियों में आया है वही सब करें? हाँ दीदी,
वैसे भी ये पहली कस्टमर थी, पहली बार में तो सबके हाथ कांपते हैं। हाँ दीदी, सही कहा। सीमा अपनी बहनों की बात सुनकर आगे कुछ नहीं बोलती, और बोलती भी क्या, आखिर ये पार्लर उन पांचों का था, किसी एक का नहीं। ऐसे ही दिन गुजरता है। एक लड़की पार्लर में कटिंग के लिए आती है, तो पूजा उसकी गलत कटिंग कर देती है, जिसके चलते उसको भी पांचों से फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। किसी तरह दिन खत्म होने पर पांचों घर आती है, जहाँ निर्मला अपनी बेटियों को देखकर कहती है, आ गई मेरी पांचों राजकुमारियाँ, कैसा रहा पार्लर में पहला दिन? तुम पांचों आज घर नहीं आई तो मेरा मन सा नहीं लगा। अच्छा माँ, लेकिन आपने खाना तो खाया ना समय पर? हाँ हाँ मेरी बेटी, लेकिन अब ये बताओ कि पहला दिन कैसा रहा, कोई क्लाइंट आया कि नहीं? अब वो हम माँ। नहीं माँ, आज कोई नहीं आया। वो क्या है ना, पहला दिन था, किसी को भी पता नहीं है हमारे पार्लर के बारे में। हम आज ही अपने सभी कॉन्टेक्ट में बता देंगे कि हम पांचों बहनों ने एक पार्लर खोला है। हाँ माँ, ताकि लोगों को पता चले तो आना शुरू करे वो हमारे पार्लर में। हाँ ये ठीक है, चलो अब तुम पांचों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम सब के लिए खाना लगाती हूँ। निर्मला अपनी पांचों बेटियों के लिए खाना लगाती है, लेकिन सीमा ये देखकर निराश होती है कि आज के बारे में उसकी बहनों ने माँ से झूठ बोला। खैर दिन निकलता है, पांचों खाना खाकर सो जाती है, और अगले दिन पांचों फिर से अपना पार्लर खोलती है। तभी माया को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो उसके पीछे से एक फेशियल करवाने के लिए कस्टमर आता है, जिस पर पूजा उससे कहती है, माफ करना मैडम, लेकिन जो फेशियल करती है मेरी बहन वो अभी पार्लर में नहीं है, थोड़ी देर में आएगी, आप चाहे तो इंतजार कर सकती हैं। लेकिन मुझे तो जरूरी पार्टी में जाना है, इसलिए मैं पार्लर आई कि फेशियल करवाने के बाद मेकअप भी यहीं से करवा कर सीधा पार्टी में चली जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और पार्लर में चली जाऊंगी। कस्टमर को जाते देखकर सीमा उसे रोक कर कहती है, रुकिए मैडम, आप बैठिए, मैं आपका फेशियल कर दूंगी। और रही बात मेकअप की, तो जब तक आपका फेशियल खत्म होगा तब तक मेरी बहन माया आएगी, वो आपका बहुत बढ़िया मेकअप कर देगी। अच्छा आपका फेशियल आता तो है ना, क्योंकि अभी इन्होंने कहा फेशियल करने वाली है नहीं। चिंता मत करिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सीमा उस कस्टमर को कुर्सी पर बिठाती है, और उससे बातें करते हुए उसको बहुत अच्छे से फेशियल ट्रीटमेंट देती है। इतने में माया वहाँ आती है, और वो अपनी बहन को फेशियल करता देखकर और कस्टमर को खुश देखकर अपनी दूसरी बहनों से कहती है, ये फेशियल का काम तो मेरा था ना, तो दीदी ने क्यों किया? अरे दीदी, कस्टमर को जल्दी थी और आपके ना होने पर वो वापस जा रही थी, इसलिए दीदी ने रोका और खुद किया। वैसे भी दीदी फेशियल में बहुत अच्छी है, आपको तो पता ही है। पांचों बहनें उस लड़की के फेशियल खत्म होने का इंतजार करती है, जिसके बाद माया उस लड़की का मेकअप करती है, और माया भी उसका बहुत अच्छा मेकअप करती है, जिससे वो लड़की खुश हो जाती है, क्योंकि उसको मेकअप करना ही ज्यादा पसंद था और अच्छे से आता था। कुछ देर में उस कस्टमर का मेकअप खत्म होता है, और वो खुद को शीशे में देखकर कहती है, अरे वाह मेरा तो लुक ही चेंज हो गया, आप दोनों तो काम में बहुत ही माहिर हो, मुझे फेशियल में भी बहुत रिलैक्स फील हुआ और मेकअप लुक भी बहुत पसंद आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ आने के लिए बोलूंगी, आप प्लीज पेमेंट बता दीजिए। जी आइए मैं बता देती हूँ। पूजा उस कस्टमर को उसकी पेमेंट बताकर कैश ले लेती है, और उसके जाने के बाद चारों बहनें सीमा के आगे आकर कहती है, दीदी हमें माफ कर दो, आपने सही कहा था, हमें यहाँ वो काम करना चाहिए जिसमें हम माहिर हैं, तभी हम पांचों बहनों का ये पार्लर तरक्की करेगा। हाँ दीदी, मुझे तो कैची पकड़ने में डर लगता है, मेरे लिए पार्लर का अकाउंट संभालना ही ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम सबको अपने आप समझ आ गया, मैं पहले इसीलिए काम बांट रही थी ताकि सबको अपनी पसंद का काम मिले, जिससे तुम्हें कोई बोझ महसूस नहीं होगा। चलो अब हम पांचों अपनी ड्यूटी संभालेंगे, मैं फेशियल करूंगी, माया मेकअप, कीर्ति हेयर कटिंग, अनीशा मैनिक्योर पेडिक्योर, ठीक है ना? हाँ दीदी हमें मंजूर है। सीमा के बाकी चारों बहनों को समय रहते समझ में आता है, जिससे उनका ज्यादा नुकसान होने से पहले ही वो अपने पार्लर को सही ट्रैक पर लाकर मिलकर संभालती हैं। सिमी सुबह सुबह फ्रेश होकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आती है, और अपनी माँ को आवाज लगाती हुई बोलती है, माँ माँ कहाँ हो आप, नाश्ता दे दो, कॉलेज जाना है मुझे। उसकी माँ रीता उस वक्त मंदिर में पूजा कर रही होती है,
तभी वो सिम्मी की आवाज सुनकर बोलती है, हाँ सिम्मी बेटा थोड़ी देर रुक जा, पूजा करके आती हूँ मैं। माँ तो पूजा कर रही है, सही है, एक काम करती हूँ, आज मैं नाश्ता अपने हाथों से बना लेती हूँ, माँ पूजा खत्म कर लेगी तब तक मैं नाश्ता बना दूँ। इतना बोलकर वो दबे पाँव किचन में जाकर अपने लिए ऑमलेट बनाने लगती है और कुछ ही देर में रीता पूजा खत्म करके किचन में जाती है तो देखती है कि सिमी किचन में प्याज काट रही है, तभी उसकी उंगली चाकू से कट जाती है। ये देखकर वो जल्दी से सिमी के पास जाती है और एक कपड़ा लेकर उसके हाथ पर रखकर बोलती है, अरे तुझे कितनी बार समझाया है ना कि मेरे होते हुए तू किचन में काम मत किया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती, अब लग गई ना चोट तुझे। माँ इतनी भी नहीं लगी है, जरा सी तो है, आपको पता है ना मुझे खाना बनाने का कितना शौक है, लेकिन आप तो मुझे किचन में जाकर खुद से एक कप चाय भी नहीं बनाने देती, इसलिए आज आप बिजी थी तो मैंने ही बना लिया। तूने क्या सोचा था कि आज मम्मी बिजी है तो बस मिल गया मौका, घुस जाती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन क्या किया तूने अपने साथ, देख कटवा ली ना अपनी उंगली। अरे मैंने तुझे बड़े नाजों से पाला है, इसीलिए नहीं कि तू किचन में घुसकर खाना बनाए, जाकर टेबल पर बैठ, लेकर आती हूँ मैं नाश्ता। उसकी बात मानकर सिमी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सिमी अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी और हमेशा से उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता उमेश से बोलती है, पापा मुझे आपसे एक बात करनी है, आप मानेंगे ना? अरे हमारी प्यारी बेटी कोई बात बोले और हम उसे ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है, बोल बेटा क्या बात है? पापा मुझे कुकिंग क्लास ज्वाइन करनी है, प्लीज मना मत करना प्लीज। अरे बेटा कुकिंग सिखाने का फायदा ही क्या है, जब तेरी माँ तुझे खाना बनाने देती ही नहीं, इसकी जगह कुछ और कर ले बेटा। नहीं पापा प्लीज, मेरा बहुत मन है, माँ जितना टेस्टी खाना बनाती है ना, मैं उससे भी हजार गुना टेस्टी खाना बनाऊंगी, बस मुझे कुकिंग क्लास ज्वाइन करने दो। सिमी अपने पापा से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ रीता आती है और बोलती है, क्या बातें कर रहे हो दोनों बाप बेटे मिलकर, क्यों सिम्मी कहीं तेरे पापा तुझसे मेरी चुगली तो नहीं कर रहे? अब भला ये गुनाह मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो सिम्मी कुकिंग सीखना चाहती है तो उसी की बात कर रही थी मुझसे। सिम्मी मुझे समझ नहीं आता कि तुझे रसोईया बनने का क्या शौक है। अरे भगवान तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आजकल की लड़कियाँ तो खाना बनाने के नाम से दूर ही भागती है, और एक तुम्हारी बेटी है कि खाना बनाने की शौकीन है, अरे यहाँ तो तुम संभाल लेती हो, ससुराल में तो इसे ये सब करना ही पड़ेगा ना, तो सीखने दो ना बच्ची को। अरे आप तो चुप ही रहिए, एक ही बेटी है मेरी, उसे भी मैं किचन में उलझा कर रखूं, और रही बात ससुराल की तो मैं ऐसा घर ढूंढूंगी जहाँ इसके आगे पीछे 36 नौकर हो। इतना बोलकर रीता वहाँ से चली जाती है और सिमी निराश हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सिमी के लिए एक साहिल नाम के लड़के का रिश्ता आता है, और थोड़ी बातचीत के बाद सिमी और साहिल के घर वाले दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। तभी रीता बोलती है, देखिए बहन जी मेरी एक ही बेटी है, बड़े प्यार से पाला है मैंने इसे, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इससे रसोई का काम ना करवाएं, इस बात का खास ख्याल रखना। अरे बहन जी मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, कोई नौकरानी नहीं, घर में बहुत नौकर है काम करने के लिए, आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। और कुछ ही दिनों में सिमी और साहिल शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद सिमी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक दिन रेवती सिमी को बुलाकर बोलती है, बहू जरा एक कप कड़क सी चाय बना दे, सर दर्द हो रहा है मेरा। सच कहते हैं लोग, सास आखिर सास ही होती है, चलो अब इसी बहाने अपने हाथों से खाना तो बना सकूंगी। जी सासू माँ बस अभी लाए। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में चाय लेकर अपनी सास को देकर बोलती है, सासू माँ चाय पीकर बताइए ना कैसी बनी है। हाँ हाँ पहले पीने तो दे, और ये फालतू में बत्तीसी क्यों दिखा रही है। वो पहली बार अपनी सासू माँ को चाय बनाकर पिला रही हूँ ना, तो बाय गॉड बड़ी खुशी हो रही है, जल्दी पीजिए ना। हाँ हाँ ठंड रख, पी रही हूँ। इतना कहकर वो चाय का एक घूट पीती है और थूकते हुए बोलती है, आय हाय बहू ये चाय बनाई है या काढ़ा, इतनी चाय पत्ती किसने डालने को कहा है तुझे, इसे पीकर तो सर दर्द कम नहीं बल्कि और बढ़ गया मेरा,
तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? वो सासू माँ, मैंने पहली बार बनाई है ना, शायद इसलिए अच्छी ना बनी हो। कोई नहीं, मैं आगे से ना बढ़िया चाय बनाकर लाऊंगी, देखना। हाँ हाँ ठीक है, फिलहाल इसे लेकर जा, मेरा सारा मुंह कड़वा कर दिया। जिसके बाद से सिमी किचन में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती रहती। एक दिन वो रात का सारा खाना खुद बनाती है और टेबल पर लगा देती है। कुछ ही देर में साहिल भी ऑफिस से घर आता है और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उसकी सास बोलती है, बहू ये खाना भी तो कहीं चाय की तरह बेकार नहीं होगा ना? माँ पहले ही प्रिडिक्शन मत किया करो, खाना खाओ तो सही, क्योंकि दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। सिमी तुम भी खाओ हमारे साथ, बैठो। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और खाते ही रेवती मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ तो बेटा कैसा लगा खाना? ठीक ही है माँ, खाने लायक तो है ही। हाँ ठीक ही है, बस दाल में हल्दी इतनी है कि इस उम्र में मेरे हाथ पीले हो गए। चावल इतने कच्चे हैं कि चबाए नहीं जा रहे। सब्जी में तनिक सी मिर्च है और रोटी तो बहू को देखकर जल ही गई। बस और क्या, अरे इस खाने को तू खाने लायक बोलता है? माँ आज खा लो ना, रोज थोड़ी इतना कच्चा पक्का खाना पड़ेगा। हे भगवान, कहते हैं बहू अन्नपूर्णा होती है, पर मेरी वाली तो अन्ननाशिनी निकली। अरे बहू, खाना बनाने का शौक रखने से ही खाना अच्छा नहीं बन जाता, खाना बनाने में मेहनत लगती है, जो तेरी माँ ने तो तेरे से आज तक करवाई नहीं होगी। ये सारी बातें सुनकर सिमी को बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद एक दिन वो अपनी माँ को कॉल करके बोलती है, माँ कैसी हो आप? अरे मेरी छोड़ बेटा, तू बता ससुराल में सब ठीक है? तेरी सास तुझे कुछ कहती तो नहीं है? माँ बिना बात के तो कुछ नहीं कहती, पर अगर आपने खाना बनाया सिखाया होता ना मुझे, तो आज मेरी सास के ताने ना सुनने पड़ते। अरे मैं अपने हिसाब से सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। अच्छा अभी रुक तू, मैं तेरी सास से अभी बात करती हूँ। माँ वो कुछ गलत थोड़ी ना कहती है, अब जब मुझे खाना बनाने का शौक है लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो ताने सुनना तो बनता ही है ना। आप बस मेरी इतनी मदद कर दो कि जब मैं आपको कॉल करूँ तो आप फ्री रहना। ठीक है सिमी। इतना कहकर सिमी कॉल को कट कर देती है और उसके बाद से वो अपना आधे से ज्यादातर समय किचन में कुछ ना कुछ बनाने में ही बिताया करती। ऐसे ही एक दिन उसके घर में कुछ पड़ोसने आती हैं, तो उसकी सास उसे चाय नाश्ता लाने को कहती है, जिस पर सिमी बोलती है, चाय नाश्ता क्यों सासू माँ, मेहमानों को खाना खिलाती हूँ ना, देखना आज मैं किसी को भी खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर वो सबको खाना परोसती है और कुछ देर बाद सब खाना खाकर चले जाते हैं। जिसके बाद रेवती बोलती है, क्या बात है, सबने खाना खा भी लिया और कुछ कहा भी नहीं, लगता है अब तो ठीक ठीक खाना बनाना सीख गई है। वैसे तुझे खाना बनाने का इतना शौक है तो तेरी माँ तुझे फालतू में ही खाना बनाने से रोकती थी? सासू माँ वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा खाना बनाने का शौक आपकी वजह से पूरा हुआ। और अब देखना मैं रोज आपको अच्छा और लजीज खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी। और ऐसे ही समय बीतता है और साही का जन्मदिन आता है। उस दिन वो अपने हाथों से बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और टेबल पर लगा देती है। तभी साहिल बोलता है, बस करो सिमी, इतना ही बहुत है और कुछ मत बनाओ, तुमने तो मेरे बर्थडे पर 56 भोग ही बना कर रख दिया। बस आ गई, जलेबियाँ बना रही थी। कुछ भी कहो, आजकल की बहुएं तो खाने की शौकीन होती है, पर मेरी बहू तो खाने से ज्यादा खाना बनाने की शौकीन है। वो भी इतनी शौकीन है कि कुछ ही महीनों में इतना कुछ बनाना सीख गई। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और इस तरह सिमी सबके लिए हमेशा अच्छा अच्छा खाना बनाया करती। किसी शहर में नंदिता नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसके परिवार में उसके पिता हरीश, माँ उमा और उसका छोटा भाई शुभम था। नंदिता कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उसकी हरकतें देखो तो बिल्कुल एक 2 साल के बच्चे के आगे भी फेल थी, क्योंकि उसे बचपन से ही लड्डू खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके मोहल्ले में उसकी पड़ोसन शुभ्रा के घर में किसी खुशी में मिठाइयाँ आती है, जिसे शुभ्रा पूरे मोहल्ले के घरों में बांटती है। और वो नंदिता की चौखट पर आकर बोलती है, अरे ओ उमा बहन, जल्दी बाहर आओ, लड्डू लेकर आई हूँ, देर मत करो, बाकियों को भी देना है। जैसे ही शुभ्रा की बात
नंदिता के कानों में जाती है। तो वो दौड़ती हुई घर की चौखट पर आकर बोलती है, आओ शुभ्रा आंटी जी, माँ अंदर है, काम कर रही है। अरे वाह, ये तो मोतीचूर के लड्डू है, आप मुझे दे दीजिए, मैं ही दे दूंगी माँ को। नंदिता के कहने पर शुभ्रा उसे 4 लड्डू देते हुए बोलती है, याद से दे दियो नंदिता, ठीक है मैं चलती हूँ। शुभ्रा उसे लड्डू देकर चली जाती है, जिसके बाद नंदिता उन लड्डुओं को लालच भरी नजरों से देखकर चोरी से छुपकर अपने कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, अरे वाह नंदिता, कितना तेज दिमाग है तेरा, किसी को भी बिना बताए तो लड्डू सीधा अपने कमरे में ले आई। अब इससे पहले कि सौरभ आ जाए और तुझसे लड्डू मांगने लगे, जल्दी से सारे लड्डू खा जा। हाय लड्डू कितने प्यारे हैं। इतना बोलकर नंदिता मोतीचूर के लड्डू खाने लगती है और वो 3 लड्डू खा चुकी होती है कि तभी उसका भाई उसके कमरे में आता है और नंदिता उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओहो तो तू आ ही गया मेरी जासूसी करता करता, देख ही लिया तूने। हाँ दीदी देख तो लिया, लेकिन मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास ये लड्डू आए कहाँ से? सौरभ के सवाल सुनकर नंदिता सोचने लगती है और बात को पलटते हुए बोलती है, तू बस आम खाना, कुट लिया क्यों गिन रहा है, और ये ले आधा लड्डू और रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। नंदिता सौरभ को आधा लड्डू देकर उसके कमरे से जाने को बोल देती है और सौरभ के जाने के बाद वो आधा लड्डू भी खा जाती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, अरे ये मैंने क्या किया, अपने साथ साथ माँ और पिताजी के हिस्से के भी सारे लड्डू खा गई मैं तो, खैर अब सोचने से या कहने से होगा क्या। इतना बोलकर नंदिता लड्डू खाकर कॉलेज चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली मीना कुटी उसे आता देखकर बोलती है, अयो रामा नंदिता आ गई तुम, देखो मैं केरल से तुम्हारे वास्ते क्या लाई है। क्या लाई है तो मेरे लिए केरल वाली दोस्त, जल्दी से दिखा मुझे। नंदिता के कहने पर उसकी सहेली मीना कुटी उसे टिफिन खोलकर अपनी माँ के हाथ के बने नारियल के लड्डू दिखाती है, जिसे देखकर नंदिता बोलती है, अरे ये क्या है मेरी मीना। नंदिता ये ना नारियल के बने हुए लड्डू है, जो मैं खास तुम्हारे वास्ते केरल से लाई हूँ, खाओ ना। लड्डू की बचपन से ही नंदिता बहुत शौकीन थी, वो टिफिन से एक लड्डू निकालकर खाने लगती है, जिसके बाद वो मीना को बोलती है, अरे वाह मीना क्या लड्डू है, इसे खाते ही मेरा दिल तो बाग बाग हो गया, इतना अच्छा स्वाद आज से पहले मैंने कभी चखा ही नहीं, और तुझे तो पता है ना कि मैं लड्डू के कितने ज्यादा शौकीन हूँ, थैंक यू यार। मैं जानती थी नंदिता कि तुझे ये नारियल के बने लड्डू बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे, और मेरी अम्मा ये लड्डू बनाती ही अच्छा है, और रही बात इसके अच्छे टेस्ट की, तो मैं इसके इस अच्छे टेस्ट के लिए इसमें काजू बादाम मिल्क बहुत कुछ डालकर इसे बनाती है, इसलिए ये इतना टेस्टी है। हाँ मीना सच में यार वाकई बड़ा टेस्टी लड्डू है, जल्दी से एक और दे दे मुझे। नंदिता की बात सुनकर मीना हंसते हुए उसे बोलती है, अयो नंदू मैं ये सारे नारियल के लड्डू सिर्फ तुम्हारे वास्ते ही लाई हूँ, तुम ये टिफिन घर ले जाओ, जब ये लड्डू खत्म हो जाए तो मुझे मेरा टिफिन वापस दे देना। क्या सच में मीना ये सारे लड्डू मेरे लिए है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, थैंक यू। इस तरह मीना के दिए हुए लड्डू को नंदिता कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद अपने बैग में रखकर घर ले जाती है, जहां अपने कमरे में जाकर नंदिता उन लड्डुओं को अपने कबर्ड के कपड़ों के नीचे छुपा देती है और बोलती है, इस बार ना तो सौरभ मेरी जासूसी कर पाएगा और ना ही नारियल के लड्डू को ढूंढ पाएगा, और मैं रोज रोज खाऊंगी। इस तरह नंदिता उन नारियल के लड्डुओं को कबर्ड में छिपाकर रख देती है, और तभी उसकी माँ उमा उसे आवाज लगाती है, ओ नंदिता बाहर आ, क्या कर रही है कमरे में, आजा जल्दी खाना खा ले। तभी नंदिता जल्दबाजी में कमरे से निकलते हुए बाहर आते हुए बोलती है, आ गई माँ बोलो क्या हुआ। क्या हो गया का क्या मतलब है, तुझे भूख नहीं लगी क्या, जल्दी से खाना खा ले। अपनी माँ की जबरदस्ती के कारण लड्डू खाने वाली नंदिता ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाना खाती है, और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए भी उसका सारा ध्यान और टेस्ट केवल उन नारियल के बने लड्डू पर होता है, और इस कारण वो आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाती है, जिसके बाद उसकी माँ बोलती है, क्यों रे नंदिता तुझे सिर्फ आधी रोटी की भूख थी। सॉरी माँ मुझे भूख कम थी इसलिए। इतना बोलकर नंदिता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है,
और कबर्ड से नारियल के लड्डुओं को निकालकर टिफिन में से एक नारियल का लड्डू खाने लगती है और बोलती है, अरे यार ये लड्डू तो इतने ज्यादा टेस्टी है कि एक खाकर तो मेरा कुछ बनता ही नहीं है, दिल करता है सारे खा जाऊं, लेकिन फिर ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे, खैर बात की बाद में सोचेंगे, अभी तो मैं जी भर के खाऊंगी। इतना बोलकर नंदिता और नारियल के लड्डू खाते हुए बोलती है, यार ये नारियल के लड्डू जितने टेस्टी है ना, उतना ही पसंद मुझे इसका सफेद रंग भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमर हो। इतना बोलकर नंदिता लड्डू खाकर उन्हें कबर्ड में रख देती है और सो जाती है। कुछ देर बाद सुबह होती है और नंदिता उठकर सबसे पहले अपने लड्डू चेक करती है और जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है और नाश्ता किए बिना ही बस लड्डू खाकर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस तरह वक्त बीतता है। नंदिता डेली थोड़ा सा नाश्ता करके ही अपना लड्डू से ही पेट भरा करती और कॉलेज जाया करती, जहाँ मीना उसे बोलती है, अयो नंदिता तुम आज मेरा टिफिन लाई हो कि नहीं? अरे कल या परसों जब टिफिन खाली हो जाएगा ना तो ले आऊंगी। नंदिता की बात को सुनकर मीना उसे बोलती है, क्यों लड्डू खत्म हो गए क्या जी? हाँ हाँ कल तक खत्म हो जाएंगे। तुम इतने सारे लड्डू इतनी जल्दी खा गई? अरे यार वो इतने टेस्टी है कि एक खा के मेरा कुछ होता ही नहीं है, जब भी खाने के लिए एक उठाती हूँ दो चार और खा जाती हूँ, इसीलिए कल तक खत्म हो जाएंगे। अरे तुम उसे जल्दी खाओ या धीरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बात बस इतनी है कि वो लड्डू तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, वो मैं और मेरी अम्मा केरल से बना के लाए थे, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ बहुत ही ज्यादा होते हैं और वहाँ नारियल भी सस्ते होते हैं, समझी? हाँ लेकिन उसे हम अपने घर में भी तो बना सकते हैं। बना तो सकते हैं, लेकिन हर कोई उसे अच्छे टेस्ट के साथ नहीं बना सकता। अरे कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास खाने के लिए है, मैं तो आगे की सोच रही थी। इतना बोलकर वो दोनों कॉलेज की क्लास में पढ़ाई करने जाते हैं और कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद नंदिता अपने घर जाती है, जहां वो अपने कमरे में जाकर नारियल के लड्डू चेक करती है और फिर अपने टिफिन को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, माँ जल्दी आओ यहाँ, कहाँ हो आप? क्यों चिल्ला रही है इतना, क्या हुआ बोल अब। माँ मेरे कबर्ड में इस टिफिन के अंदर नारियल के लड्डू रखे हुए थे, वो यहाँ पर नहीं है, और सौरभ कहाँ पर है? यही कहीं होगा। नंदिता को सौरभ पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आग बबूला होकर सौरभ का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर में शाम होती है और सौरभ घर आता है, उसके आते ही नंदिता उसे गुस्से में जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, जब मैं नहीं थी तो छुपके से मेरे कमरे में गया और तू लड्डू खा गया, चोर कहीं का। दीदी ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे, अगर मैंने आज आपके नारियल के लड्डू खा लिए तो मैं चोर हो गया, और उस दिन जब आंटी के दिए लड्डू आपने हमसे छुपकर खाए थे वो क्या? माँ इसे समझा लो, वो मेरी सहेली मीना कुटी ने केरल से लाकर दिए थे लड्डू मुझे, और ये खा गया, अब मैं क्या खाऊंगी? अरे पगली रो मत, मैं तेरे लिए वो लड्डू वैसे ही बना दूंगी। उमा अपनी बेटी को समझा कर नारियल के लड्डू का सामान मंगवा कर उसके लिए लड्डू बनाती है, और देखते ही देखते वो बहुत सारे लड्डू बना देती है और नंदिता उसे टेस्ट करके बोलती है, वाओ माँ आपने तो बिल्कुल मीना की माँ की तरह टेस्टी लड्डू बनाए हैं, थैंक यू। ले बना दिए मैंने तेरे लड्डू, और अब तू इन्हें 6 महीने भी खाएगी ना तो भी कम नहीं पड़ेंगे, पर आज के बाद सौरभ पे हाथ मत उठाइयो। ओके ओके समझ गई। और इस तरह लड्डू की शौकीन नंदिता को अपनी माँ के हाथ से बनाए ढेर सारे लड्डू मिल जाते हैं, और जिसके बाद वो अपने भाई सौरभ से माफी मांगती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।